सालों इंतजार के बाद अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जहां इसको लेकर के देवनगरी देवघर में भी चारों ओर हर्ष और उल्लास देखा जा रहा है। वहां क्या कुछ तैयारियां चल रही है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के 100 करोड़ हिंदुओं में उत्सव का माहौल है। वहीं देवों की नगरी देवघर में भी पंडा पुरोहित से लेकर पूरे जिले वासियों में हर्ष का माहौल है। वैसे इस उत्साह का एक और खास कारण है, तीर्थ पुरोहित दुर्लभ मिश्रा की माने तो भगवान श्री राम ने त्रेता युग में रावण पर विजय प्राप्त कर द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ की पूजा की थी। माना जाता है कि श्री राम सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से कावर में गंगा जल भर कर पैदल ही देवघर आए थे और बाबा बैद्यनाथ के आत्मलिंग की पूजा की थी। रावण ब्राह्मण था और उसका वध किया था, उसका प्रायश्चित करना बहुत जरूरी था, बाद में भी प्रायश्चित किए, तो यहाँ से उत्तर वाहिनी गंगा स्नान करके और माता जी सीता के साथ में ये वहाँ से पैदल आए और जल चढ़ाए और अपने अपराध के लिए बाबा से माफी मांगा कि हम जो है सो शिव का सबसे बड़ा भक्त बावन था, लेकिन सामाजिक परिवेश के चलते उसका बद करना पड़ा और बद हुए वो। इंतजार था कि कब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, कब ये होगा, बहुत सालों से इस बार 2024 में 22 तारीख को जो हो रहा है बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है और पूरा देश एक साथ दीपक जलाएगा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सब कोई उस दिन घरों में दीपक जलाएगा। ये तो हम सनातनी के लिए बहुत खुशी की बात है कि 550 साल बाद राम जी पुनः फिर से अपने जन्म स्थली पर विराजमान हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ से रामलला का बहुत पौराणिक जुड़ाव है। जब वो रावण पर विजय पाए थे तो सुल्तानगंज से लेके देवघर तक वो कावर यात्रा किए थे पैदल और जलार्पण किए थे बाबा पर। ये बहुत पुराना जुड़ाव है और तभी से यहाँ पर कावर यात्रा चल रहा है। राम जी का जुड़ाव बाबा बैद्यनाथ धाम से बहुत पुराना है, इसका इतिहास पुराणों में उल्लेख भी। इधर भगवान श्री राम के बाबा बैद्यनाथ नगरी देवघर आगमन की पुष्टि इतिहासकार मोतीलाल ने भी की। उनकी माने तो भगवान श्री राम ने गंगा जल से विधिवत कामना लिंग की पूजा की थी। उनके आगमन का जिक्र यूं तो वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के श्री राम चरित मानस में नहीं मिलता, लेकिन उनके आगमन का जिक्र आनंद रामायण में जरूर है। आनंद रामायण में ऐसा है कि इसमें राम द्वारा रामेश्वर बैद्यनाथ पर जलार्पण करने की बात आई है। बड़ी बड़े आनंद की बात है कि 22 तारीख को हमारे रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है। हम सब आनंद विभोर हैं इसके लिए और हम ये बताना चाहते हैं कि बैद्यनाथ से श्री राम का पुराना संबंध रहा है, क्योंकि जब वो रावण से को जीत कर जब वो आए थे तब वो कांवर लेके बैद्यनाथ धाम आए थे। उत्तर वाहिनी गंगा में उन्होंने जल भरा था और जल भर के यहाँ बाबा पर वो चढ़ाने आए थे बाबा बैद्यनाथ पर। तो राम का संबंध बाबा बैद्यनाथ से अति पुराना है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम लल्ला का प्रतिष्ठापन अयोध्या में होने जा रहा है। 100 करोड़ हिंदुओं में जश्न का माहौल है। वहीं शिव और श्री राम का जुड़ाव काफी पुराना रहा। इतिहासकार और मंदिर पुरोहितों की मान है द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ में त्रेता युग में श्री राम आए थे और यहाँ जलाभिषेक किया था। उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर श्री राम पैदल ही आए थे और गंगा जल बाबा भोलेनाथ को अर्पित किया था। यूं तो श्री रामचरित मानस में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन मंदिर पुरोहित और इतिहासकार की माने तो श्री राम यहाँ त्रेता युग में आए थे और रावण को हरा कर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। कैमरा पर्सन के साथ संजीव कुमार।